गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? अभी अभी मराठी नहीं आएगी, प्योर हिंदी चलेगा? ओके, दौड़ेगा, पंजाबी तो मैं हुई। चलिए दोस्तों, मेरा नाम आनंद गांधी है और FLP की इस वंडरफुल दुनिया में पिछले लगभग 9 सालों से हूँ, 9 ईयर्स से, और 2003 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सबकी लाइफ में एक्सीडेंटली आएगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि सक्सेस एक्सीडेंटली नहीं मिलती है, उसके लिए काम करना पड़ता है ना? यस। और FLP में आने से पहले 2-3 मिनट आपसे ज़रूर बात करूंगा, उससे पहले की मेरा जन्म जो था वो बिल्कुल गोल्डन स्पून में हुआ था। कहते हैं ना, बॉर्न जन्म हुआ बॉर्न विद गोल्डन स्पून, और अच्छी फैमिली इस्टेब्लिश थी, बचपन से ही देखता आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा ऊपर वाले का करिश्मा हुआ कि थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्पून सिल्वर हो गया, आगे चलते चलते स्पून जो है वो सिल्वर से भी कम हो गया। कुछ चैलेंज रहे फैमिली के अंदर, और फादर मेरे डॉक्टर हैं, और जब वो गोल्डन स्पून का सेशन था तो वो अपने डॉक्टर प्रोफेशन में सिर्फ 2 घंटे बैठते थे और 10-12 घंटे बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस माइंड था। और धीरे धीरे जब बिजनेस डाउन हो गया तो वापस वो जो 2 घंटे का प्रोफेशन था वो 10-12 घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो इस दौरान मेरे फादर की हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी, और मैं घर में बड़ा बेटा हूँ अपने फादर का, तो फादर की हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई। तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई पे कम ध्यान देना चाहिए और अपने फादर को ज़्यादा असिस्ट करना चाहिए, एक हर अच्छा बच्चा ये चाहेगा। और मैंने उनके साथ उनके प्रोफेशन में तकरीबन 14 साल निकाल दिए, डॉक्टर प्रोफेशन में। वो पेशेंट देखते थे, मैं दवाई बनाता था। एक बहुत अच्छे डॉक्टर का एक बहुत अच्छा कंपाउंडर बन चुका था, है ना, बिना डिग्री का। और ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, लाइफ वापस सरेकम हो गई, अच्छी हो गई, जिंदगी दोबारा से ठीक हो गई, कोई कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वो जो सक्सेस मैंने देखी थी ना बचपन में, आई वॉज डेयर टू दैट सक्सेस, मैं उस सक्सेस को दोबारा पाने के लिए पागल था। मैं चाहता था कि मेरे जीवन में ऐसा कोई मौका आए कि मैं दोबारा से वो सक्सेस किसी तरीके से लेकर के अपनी फैमिली को, अपने फादर को, अपनी मदर को गिफ्ट कर दूं। वो मेरे मन में एक तमन्ना थी। FLP में आने से पहले अगर आपका वाई, अगर आपकी नीड स्ट्रांग है ना, तो यहां पे आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी नीड स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपको अपनी नीड और स्ट्रांग करनी पड़ेगी इस कंपनी में आने से पहले। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और लगभग 14-15 मिनट में, बिटर, स्वीट, सॉल्ट, सोर, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास। और आज नए लोग कितने आए हैं, फर्स्ट टाइम न्यू पीपल्स, आई एम रियली ग्लैड टू सी यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एक बार आपके लिए मैं ताली करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और पक्का बदलेगी, मुझे विश्वास है। अभी तक जो सेशन हो रहा है, एम रियली बहुत अच्छा है, मुंबई सक्सेस डे, रियली इट्स अ ग्रेट सक्सेस डे, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों की जिंदगी बदलेगी आज, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, मेरे पास एक्सीडेंटली एलोवेरा जेल की बॉटल आ गई, और मेरे फादर डॉक्टर थे, पेशेंट ही थमा गया, आया और पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब आप यूज़ कर लो, और वो फादर को, क्योंकि डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डायबिटिक, एक प्रॉब्लम थी। और पेशेंट कभी कभी पूछते थे ना, डॉक्टर साहब शुगर ठीक तो हो जाएगी ना, पापा कहते थे हाँ हो जाएगी यार, कोई बात नहीं। पता था मुझे खुद डायबिटिक है, लेकिन क्या करें। लाइफ में एलोवेरा जेल आया, और वो एलोवेरा जेल फादर ने यूज़ करना शुरू करा, तो 3 बॉटल हमें प्रोवाइड हुई, और 3 बॉटल में मेरे फादर का जो एनर्जी लेवल में चेंज आ गया। तो मेरे फादर कहते थे ये एनर्जी मुझे 10 साल से नहीं मिली है, जो इस 3 महीने में मुझे मिल रही है। मैं इस एलोवेरा की पावर को देखने के लिए कंपनी चला गया, और क्योंकि नीड तो थी, ऐसे मैंने बताया आपको, अंदर से तमन्ना तो थी, आग तो थी। अब वो एलोवेरा जेल लेने के लिए गया, तो वो एक क्लास चल रही थी मार्केटिंग प्लान की, सोचा यहां भी बैठ जाऊं, और मार्केटिंग प्लान की क्लास में बैठ गया। और जैसे जैसे वहां पे मार्केटिंग प्लान वो बता रहे थे,
दैट पर्सन इज मेजर भटनागर, वो मेरे गुरु हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं एक बार हम उनके लिए जोरदार ताली करें। वो जैसे जैसे मार्केटिंग प्लान बता रहे थे, मुझे लग रहा था ये मेरे लिए डिजाइन हुआ है, बिल्कुल मेरे लिए डिजाइन हुआ है। और मैंने उस दिन कसम खा ली, मैंने कहा मैं ये काम करूंगा, मुझे फॉरएवर लिविंग को करना है, डेडिकेशन से करना है। दोस्तों मैंने ना डे वन से, पहले ही दिन से FLP को 100% डेडिकेशन से किया, मैंने डाउट नहीं करा, शायद इसी वजह से मैं आज यहां पर हूं। 100% डेडिकेशन से मैंने काम किया। मैंने पूछा मुझे करना क्या होगा, उन्होंने कहा ट्रेनिंग, मैंने कहा मैं करूंगा। कितनी ट्रेनिंग, जितनी ले सकते हो ट्रेनिंग लो। दोस्तों उन दिनों 8 साल पहले की बात है, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेनिंग होती थी, अभी तो थैंक्स टू सिटी, थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, रोज ट्रेनिंग्स हैं। तो उस समय हफ्ते में 2 ट्रेनिंग्स होती थी, तो मैं बिल्कुल समय से पहले पहुंचकर आगे वाली लाइन में खड़ा होकर आगे वाली चेयर्स पे जाके बैठ जाता था। और वैसे भी मैं जनरली रेगुलर ऑफिस आने लगा, और 1 महीने में मैं 22 बार कंपनी गया था। जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी, मैंने 22 विजिट्स करी थी पहले ही महीने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस में। मैंने रेगुलर ट्रेनिंग्स ली, इतनी ट्रेनिंग्स ली, और इतनी ट्रेनिंग्स लेने के बाद एक बहुत बढ़िया सी स्टेटमेंट आई, ₹42.95 की। कैसी लगी? वाइफ को बोला था बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ गड़बड़ थी। फ्रेंड सर्कल्स में भी बता दिया था बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने वो चेक को छुपा लिया। वो एक्चुअली वो कैरी फॉरवर्ड स्टेटमेंट थी, तो मैंने कहा ठीक है अब मैं करूं क्या। देखो गुरु बनाया तो पूछना पड़ेगा। मैं गया ऑफिस, मैंने कहा सर ये ₹42.95 क्या कहते हैं बताइए, मैं तो रेगुलर आ रहा हूं। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा देखो आनंद, तुम 1 महीना पूरे ऑफिस में आए, तो उससे कंपनी ने कुछ लिया? मैंने कहा नहीं लिया। ठंडा पानी पिला रही है कंपनी, AC के नीचे बिठा रही है, यूटिलिटीज टॉयलेट यूज कर रहे हो, ऐसे ऑफिस में कहीं कोई एंटर करता है बिना टिकट विकेट, बिना पैसे के? मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं होता, ये तो मैंने पहली कंपनी देखी है। और दूसरा कहते हैं ट्रेनिंग भी फ्री मिल रही है, तुम्हें तुम्हारे अंदर चेंजेस क्या आए हैं? तो मैंने कहा सर एक चेंज तो आया है, पहले शुरू में जब मैं किसी से एलोवेरा और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बात करता था, 4-5 मिनट बात करता था, उसके बाद घबरा जाता था, सामने वाले का रिएक्शन देखता था। कहते अब क्या सिचुएशन है? मैंने कहा अब सिचुएशन ये है कि अगर आप मेरे आगे 10 घंटे खड़े रहोगे, मैं 10 घंटे फॉरएवर लिविंग एलोवेरा प्रोफाइल प्रोडक्ट आपको बताता ही रहूंगा, ये चेंजेस मेरे अंदर आ गए हैं। और तुरंत एक जवाब मिला, जवाब ये मिला कि यार एक बात बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो ट्रेनिंग भी देती है और पे भी करती है? इतने 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 अच्छे चेंजेस भी आ गए, और चलते में तुम्हें ₹43 मिल गए, अब तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं और क्या लोगे? बात समझ में आ गई दोस्तों? लगा रहा। अब तो फिर वो सेशन है लगा रहा, क्योंकि 8 साल मुझे लगा रहा में निकालने पड़ेंगे। काफी मेहनत करी, मुशक्कत करी, और बिजनेस को डेवलप करा, और ट्रेनिंग ली, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड बिल्कुल नया था। मैंने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का N भी नहीं सुना था। मेरी जिंदगी में कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आई थी, जीवन की सबसे पहली और आखिरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है मेरे लिए। और मैं इसे नेटवर्किंग भी नहीं बोलूंगा, ये मेरी फैमिली है, नेटवर्किंग नहीं बोलूंगा मैं इसे, दिस इज माई फैमिली। तो एक नेटवर्किंग का चैलेंज, एक सबसे बड़ा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लोग शुरू में जुड़ते हैं ना, वो किसी के पास जाते हैं, बड़ा एक्साइटेड होके जाते हैं, और सामने वाले के हाथ में पिन होती है, दे उसके गुब्बारे में मारता है, हवा निकाल देता है, कह रहा बैठ जा आराम से। नहीं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये नो सुन के मैं पक चुका था। फिर मेरे को समझा कुछ गड़बड़ है यार, अभी नो को मैंने सोचा अगर मैं इस तरीके से चलता रहा तो ये सब लोग मुझे बिठा देंगे, मुझे नो का उल्टा ऑन करना पड़ेगा, है ना, ए नो उल्टा कर दो ऑन। वो जितना बोले नो मैं कहता हूं उतना ऑन हो गया भैया, तो जितना नो बोलेगा मैं उतना ऑन हो जाऊंगा। एक मैंने अलग सा फंडामेंटल निकाल लिया था, सामने वाला बोलता था नो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कहता था यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रिहर्सल कर रहा था, मुझे पता था तू मना ही करेगा, नहीं मैं तो ऐसे ही आया हूं तेरे पास बातचीत करने के लिए, मुझे पता तू मना ही करेगा, रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग हैं FLP करने के लिए, तू नहीं करेगा कोई और कर लेगा, ठीक है। तो यस, आपको अच्छा लग रहा है तो क्लैपिंग कर सकते हैं। अभी नो 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 का सेशन चलता रहा। देखो दोस्तों एक बात बताऊं, लोगों के 2 ही काम हैं,
बहुत करीब से देखा है लोगों को, हजारों लोगों से मीटिंग्स कर चुका हूँ, 1-to-1 बहुत कुछ हो चुका है। पब्लिक के दो ही काम है, पहला चलते फिरते आदमी की हवा निकाल दो, ठीक है, और अगर हवा ना निकले तो ताली बजा दो, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं कर सकते लोग। वो एक शेर है ना, अजब सुलगती लकड़ियां हैं ये जग वाले, जले तो आग उगले और बुझे तो धुआं। नहीं, ये किसी की तसल्ली नहीं हो सकती, इनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना। कोई मना करता है मना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट थिंक अबाउट मिस्टर रेक्समॉन। रेक्स के बारे में सोचिए ना, क्या मिस्टर रेक्समॉन को किसी ने मना नहीं किया होगा इस बिजनेस के लिए? 5 करोड़ से यह कंपनी 13,000 करोड़ पर आ गई, एक देश से 150 देशों में आ गई। मिस्टर रेक्समॉन ने पहली मीटिंग में 43 लोगों को बुलाया था, क्या वो सारे मैनेजर और डायमंड मैनेजर बन गए क्या? नहीं ना। तो फिर आज मिस्टर रेक्समॉन INC 500 में अपनी कंपनी को ले गए, फोर्ब्स लिस्टेड हो गए, कहां कहां चले गए। मना करा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे भी मना करेंगे तो मैं भी वैसा बन जाऊंगा। भाई मना करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मना करना है मना करो। सो डोंट, कभी नो की परवाह मत करिएगा। मुझे लगता है अब आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, ऑन हो गया, ओके। अभी नो की परवाह नहीं करनी है, मैंने नो की परवाह नहीं करी। आपको बताऊं, मैंने नो की परवाह नहीं करी। ये नो सुनते सुनते मेरा 8 महीने में मैनेजर क्लियर हो गया, और 42 रुपए से मैं 42,000 रुपए का चेक लेकर अपने घर पहुंच गया। 8 महीने के अंदर मेरे हाथ में मेरा 42,000 रुपए का चेक था, लोगों के मन में अभी भी नो थी। मैं कहा नो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो 42,000 का चेक आ गया। अब लग रहा था कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एक अच्छे बिजनेस के लिए गया था। 50,000 की इनकम लगता था, कुछ घर लेके आता हूं तो अच्छा लगता है, फादर भी लगता है कि यार कुछ अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है। और अब बिजनेस को और आगे डेवलप करना था, और आगे लोगों को बताना था, तो कोशिश करी इसको और डेवलप किया जाए, और लोगों से बातचीत करी जाए। आउटस्टेशन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बड़ा शौक था आउटस्टेशन बिजनेस डेवलप करने का। अभी आज सर ने बताया रांची बिजनेस डेवलप किया, मैंने रांची बिजनेस डेवलप करा, और ऐसा बिजनेस डेवलप करा कि मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर के शर्मा, उनके साथ मैंने डेवलप करा। तो 1-to-1 एक एक घर में जा जाके मीटिंग देना, जहां कोई घर खिलाए उसके घर पानी पीना, किसी के घर खाना खाना, कभी परवाह नहीं करी किसी भी तरह की। वो शर्मा जी ब्राह्मण थे, पंडित थे। अभी हम एक मेरे पर्सन है, वो उनका नाम मिस्टर तस्लीम, उनके घर खाना खा रहे थे, वो चुपचाप मैं उनके घर खाना खा रहा हूँ, वो कह रहे हैं सर मैं तो दिक्कत है हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। मैंने कहा काम करना, फिर रॉयल्टी भी इस घर से मत खाना, है ना, फिर रॉयल्टी भी मत खाना। तो यस, अब रेक्स ने अगर इस तरह कल्चर नहीं बनाया तो हमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से खूब मेहनत करी और डेडिकेशन से काम किया, और काम करते करते आज ये स्थिति है कि झारखंड में 50 से ज्यादा मैनेजर हमारे ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ट्रेनिंग की वो कमिटमेंट हो गई थी, और वो राजधानी में टिकट कुछ कैंसिल हो गई, क्या हो गया मुझे याद है, मैं आज भी वो दिन नहीं भूलता। मैं टॉयलेट के बाहर अखबार बिछा के सो के गया था, 23 घंटे की जर्नी करके वहां ट्रेनिंग देने के लिए। सक्सेस इतनी इजी नहीं मिलती है दोस्तों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू पे फॉर सक्सेस। आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग प्लान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। लोग जब मुझसे शुरू में पूछते थे यार वो एलोवेरा का तुम लाए हो, प्रोडक्ट्स लाए हो, इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? मैं कहता था यार गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल अप्रूवल है, ये है वो है वो है, ये काफ़ी कन्विंस करता था। लेकिन अब मैं पता है क्या बोलता हूँ, मेरे से कोई पूछता है मैं कहता हूँ बिल्कुल साइड इफेक्ट है मेरे भाई। अगर गाड़ी में नहीं चल रहे, स्कूटर में चल रहे, तो कार आ जाएगी, नहीं बच्चे अच्छे स्कूल में जाने शुरू हो जाएंगे, बड़ा घर आ जाएगा, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट है। बोलो चाहिए क्या, करोगे? ये साइड इफेक्ट है इस कंपनी का, भूल करके भी इसके मार्केटिंग प्लान में मत आ जाना, अगर आ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोगों को ये साइड इफेक्ट चाहिए, कितने लोग तैयार हैं साइड इफेक्ट के लिए? सबको ये साइड इफेक्ट लेना है ना? नहीं, मैं जीता जागता उदाहरण हूं इस साइड इफेक्ट का। इंडिया में मेरे जैसे पता नहीं कितने लीडर्स, कितने मैनेजर्स, कितने सीनियर मैनेजर साइड इफेक्ट के उदाहरण है। आजू बाजू देख लेना, सारे साइड इफेक्ट आपको नजर आ जाएंगे। नहीं, लोग ग्रो करते हुए नजर आ जाएंगे, ये इस बिजनेस का साइड इफेक्ट है। मार्वेलस कंपनी, मैं इस बिजनेस को बोलता हूं दिस बिजनेस इज 99 स्ट्रोक बिजनेस। 99 स्ट्रोक बिजनेस का मतलब क्या हुआ? आप एक पत्थर को हथौड़ी मार रहे हो,
मारते 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 99 में कुछ नहीं हुआ, 100 में पत्थर टूट गया। पत्थर टूटा तो 100 में, लेकिन दोस्तों 99 काम कर रही थी। अगर 99 नहीं होती 100 में पत्थर नहीं टूटता, है ना। ये बिजनेस वैसे ही है, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, करते 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 आप निराश हो जाते हो। निराश मत हो, काम करते रहो, काम करते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन वही पर्सन आपको हाँ कर देगा। आप जो गॉड से एडमायर कर रहे हो, जिस टीम को एडमायर कर रहे हो, जैसी टीम चाहते हो वो टीम आपके पास चलकर आ जाएगी। बशर्त आपका इस बिजनेस में कंटिन्यू काम करते रहना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर आप इस बिजनेस में काम करते रहे, देखिए हर दुनिया की हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ लोगों को जन्म देती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या जन्म देती है, लूजर्स विनर्स, है ना, ऐसा होता है ना, लूजर्स विनर्स। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, यस, विनर्स एंड क्विटर्स। क्विट करना आपके हाथ में है, अगर आपने क्विट नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली विनर बन जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। अगर आपने इस बिजनेस से क्विट नहीं किया तो आप गारंटीड विनर हैं, हर हालत में विनर हैं। आपको इस बिजनेस में रहना, लोगों को बताना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, कंटिन्यूस मार्केटिंग प्लान देना बहुत जरूरी है। अब ऑटोमेटिकली धीरे 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 आप दोस्तों आगे निकल जाएंगे। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को एक समुद्र किनारा बोलता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है, एक समुद्र किनारा बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि देखिए समुद्र किनारे लोग खेलने आते हैं ना। अब हमारे ऑफिस में भी लोग खेलने आ जाते हैं, हमें चेक करने आ जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स चेक करने आ जाते हैं। नहीं, किसी को अब किसी को जो है जबरदस्ती किसी ने बुला लिया तो किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आ जाते हैं। वो समुद्र किनारा है, शाम को सब चले जाते हैं अपने घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र किनारे पे कुछ लोग रेत इकट्ठी करने आते हैं, पानी गंदा है, कूड़ा है। नहीं, कुछ लोग कंपनी में आते हैं, यार वो एलोवेरा लेने में लाइन लगी हुई है, मैं लाइन में नहीं खड़ा होऊंगा। नहीं, वो यार मीटिंग रूम के बाहर लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही, तुम्हारे यहाँ ये वो है, ऐसे 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 कमी है, ये है ऐसा है वैसा है, प्रोडक्ट भी दो पैकिंग बननी चाहिए, ऑफिस भी दो होने चाहिए, आसपास एक मेरे घर के नीचे एक उधर। नहीं बोलेंगे ना लोग, होता है ना ऐसे। तीसरा व्यक्ति समुद्र किनारे में क्या आता है, वो मोती निकालने के लिए आता है। वो कहता है तुम सब घर जाओ, शाम को मैं अपना काम खुद करके जाऊंगा। नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कुछ लोग सक्सेस के लिए आते हैं, वो परवाह नहीं करते लाइन में खड़ा होना है, परवाह नहीं करते मीटिंग में पिछली सीट पे बैठना है, परवाह नहीं करते फर्श पे बैठना है, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आज आप नीचे बैठे हुए, आप पक्का मैनेजर बनेंगे इस बिजनेस में, परवाह नहीं करते कभी, नीचे बैठना है इस चीज की परवाह नहीं करते। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, इस तरह का बिजनेस आपको ऑफर हो रहा है। मैं इस बिजनेस के अंदर एक बात बोलता हूं, देखिए जॉब पीपल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जॉब में बॉस अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देता है कि मेरी 1 करोड़ की कंपनी को 10 करोड़ पे लेकर आओ, और घर में बोलता है जब मेरी कंपनी 10 करोड़ पे आ जाएगी अपने बेटे को बोलता है जिस दिन मेरी कंपनी 10 करोड़ पे आई तुझे मर्सिडीज बेंज लेके दूंगा। बताओ, मतलब एक एम्प्लॉय मिलकर 1 करोड़ की कंपनी को 10 करोड़ करे और मर्सिडीज बेंज बॉस अपने बेटे को गिफ्ट करे, ये है जॉब का बिजनेस। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। नहीं, जॉब के अंदर और क्या होता है, बहुत लोग हैं बहुत लोग जॉब से हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप जितनी बड़ी से बड़ी नौकरी कर लें, बुरा मत मानिएगा, एक बड़ी कंपनी के नौकरी कहला सकते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन करके आप उस कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं, इतना बढ़िया बिजनेस है ये। लोग बोलते हैं एक बार 20,000 रुपए मेरे पास आ जाएं, अक्सर हमारे ग्रुप में बोलते हैं, लोग बोलते हैं एक बार 20,000 रुपए मेरे पास आ जाएं यार, उसके बाद मैं कल से सब बंद कर दूंगा, टोटल कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं खाऊंगा, यहीं ट्रेनिंग दूंगा। एक छोटी सी सवाल है, भाई साहब आप ग्रेजुएट हो? हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। आप एक बात बताओ यार, डिग्री पहले आई थी, पेपर पहले दिए थे? कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो भाई साहब, पहले एग्जाम दिए थे फिर डिग्री आई थी ना। तो बोल भैया पहले काम कर, पहले ट्रेनिंग अटेंड कर, फिर चेक आएगा ना, तेरे को पहले 20,000 रुपए चाहिए। यहाँ पे आप काम करो, आपको इनकम मिलेगी। मैं आगे चला, आगे चलते 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 दोस्तों मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैं सोरिंग मैनेजर बन गया। कार प्लान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 नहीं, 1, 2, 3, 4, 4 बार कंपनी से कार प्लान क्वालिफाई कर चुका हूं इसी बिजनेस के अंदर। सोच के देखिए, फर्स्ट लिस्ट फेल, सेकंड लिस्ट फेल, थर्ड लिस्ट फेल। सबसे ज्यादा काम मेरा खराब इसलिए हुआ, मेरे को लिस्ट बनानी नहीं आती थी,
जिससे बात करता था, नो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पहली लिस्ट फेल, दूसरी फेल, तीसरी फेल, चौथी फेल, अपलाइन बोलती है लिस्ट बनाओ, बहुत अच्छी बात है। होता क्या है, लिस्ट बनाने से अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रिहर्सल जरूर हो जाती है लोगों से बात करके, है ना। लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट अवॉइड मत करिएगा। तो लिस्ट फेल 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 फेल, लेकिन क्या हुआ, जब मैं काम करता रहूंगा, क्विट नहीं करूंगा, तो मेरे को लोग तो मिलेंगे। एक दिन लोग मिले, बात हुई, करते करते आगे बढ़ गया। मेरे को एक एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, ये चीज मेरी खुद की बनाई हुई, मेरा खुद का बनाया हुआ शेयर है, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा। वो कहते हैं ना कि FLP ने मुझे इतना दिया जो कभी मेरा सपना ना था, FLP ने मुझे इतना दिया जो कभी मेरा सपना ना था, पर सफलता मुझे उनमें मिली जिनमें मेरा कोई अपना ना था। मेरा अपना कोई भी नहीं है, मेरी टीम में जितने मैनेजर हैं, मेरे जितने फ्रंट लाइन है, ना कोई मेरा फ्रेंड, ना रिलेटिव, ना दोस्त, ना इंस्टीट्यूशन, ना मेरा पड़ोसी, ना कोई 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 भी नहीं है। सब अननोन जोन में मैंने काम किया, और अननोन जोन में काम करना बहुत अच्छा होता है, आपकी नई आइडेंटिटी बनती है, आप नए तरीके से काम करने की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, काम करते करते कोई लिमिट नहीं है, आप इस बिजनेस को जितना मर्जी आगे लेके जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, स्पॉन्सरिंग पर रोक लगा देती हैं। आप सोच के देखो इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जो बिजनेस आपको एग्जैक्टली अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग ऑफर करता है, ऑटोमेटिकली वही बिजनेस तो आपको अनलिमिटेड इनकम ऑफर कर रहा है। नहीं, जिस बिजनेस में आपकी स्पॉन्सरिंग रुक जाएगी, वो बिजनेस में आपकी इनकम रुक जाएगी। ये कंपनी कहती है कभी मत थकना, कभी मत हारना। मैं तो गॉड को बोलता हूं, मैं एक कमिटमेंट करता हूं अपने भगवान से कि जीवन का आखिरी दिन भी मुझे किसी से, मुझे ऐसा कर देना मैं किसी का फॉर्म भर दूं, क्या पता जाते जाते डायमंड मैनेजर साइन कर जाऊं। नहीं, रुकने का बिजनेस नहीं है ये दोस्तों। मैंने मुरादाबाद काम किया, गांव में काम किया, 4-6 घंटे लाइट होती थी, फिर लाइट चली जाती थी, वहां पे बिजनेस करा। तो ऐसा बिजनेस हुआ कि जब मुर्गा उठता है, अलार्म तो होता नहीं, अब एलोवेरा जल देकर आ गया, अब सुबह 5:30 बजे मुर्गे ने बांग दे दी। अब उसने मुझे फोन कर दिया मेरे घर पे दिल्ली में। मैंने कहा कैसे हो आप सर? बढ़िया सर, अभी अभी एलोवेरा जेल पी थी, सोचा आपसे बात ही कर लूं। अरे भाई, गलती कर दी जेल लेके। नहीं, ऐसी ऐसी जगह काम करना पड़ता है, लेकिन गलती नहीं करी, मैं खुश था। मैं कह रहा था यार मैं सो रहा हूं, मेरी डाउनलाइन सुबह 5 बजे जेल पी रही है, ऐसा कौन सा बिजनेस है? मेरा तो 5 बजे चेक बनना शुरू हो गया। नहीं, इससे बढ़िया कौन सा बिजनेस है? मैं तो कहता हूँ रात को 2 बजे जेल पियो, 3 बजे जेल पियो, 4 बजे जेल पियो, सारा दिन जेल ही पीते रहो, चेक बनता रहेगा, इतना बढ़िया बिजनेस है। आने वाला फ्यूचर बताऊं आपको, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का आप हैरान हो जाओगे। लोग किसी के घर जाते हैं ना, आधा घंटा बैठते हैं, बाहर आ जाते हैं, अरे यार मैं उसके घर गया, आधा घंटा हो गया, उस बंदे ने चाय नहीं पूछी, नाराज हो जाता है आदमी। आज से 3-4 साल ज्यादा नहीं बोल रहा, 4 साल बाद बंदा बाहर आएगा, कहेगा यार आधा घंटा हो गया गले घर बैठा हुआ हूं, उसने एलोवेरा जेल नेक्टर नहीं पूछा। ये हालात होने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, चाय वाय सब हट जाएगी, सिर्फ जल पिएंगे लोग। अगर आप नहीं पिलाओगे मैं पिला दूंगा, मैं कहीं पहुंचने में संकोच नहीं करता। आप पिलाओगे? मतलब बॉम्बे से कल वापस चला जाऊं, किसी को स्पॉन्सर ना करूं, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कामयाबी बहुत है इस बिजनेस में, उन्नति बहुत है, और मेरी आपको यही सलाह है कि आप इस बिजनेस के अंदर लगे रहिए। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, आज 8 वर्षों के अंदर अचीवमेंट्स के अंदर सबसे बड़ी बात जो मेरे को जीवन में मिली, पहली बात, मैं दुकानदार आदमी था, दुकान पे 10 लोग आ जाते थे ना, घबराहट हो जाती थी, हाथ पैर कांपने लगते थे, जल्दी से कस्टमर को फ्री करो, लड़ पड़ता था लड़कों से, सर्वेंट से, क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर से कस्टमर को फ्री नहीं कर रहे, पैनिक हो जाता था। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिया यहाँ पे खड़े होने का, आप सोच के देखिए 1,000 लोग, 2,000 लोग, 3,000 लोग, 4,000 लोग, जितने मर्जी लोग आ जाएं, मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस और कौन सी कंपनी दे सकती है? ये दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऑफर नहीं करेगा, ये दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस बिजनेस के साथ एक लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी है। हमेशा सर बोलते हैं कि लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें लाइफस्टाइल मिलेगी। आपके जीवन के जो सपने धक्के खा खा के जमाने से दब चुके हैं ना, वो सारे के सारे सपने बाहर निकल कर आ जाएंगे और एक एक करके पूरे होने लगेंगे। इस तरह की कंपनी है ये, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देती है। मुझे बहुत कुछ मिला इस कंपनी से इन द फॉर्म ऑफ इनकम। इनकम की बात करूं करते करते आज एक बहुत अच्छी इनकम है। कट शॉर्ट, लगभग लगभग
पिछले एक वर्ष की अगर मैं आपको इनकम बताऊं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से, पिछले वर्ष लगभग 60 लाख रुपए कमाया मैंने एक साल के अंदर इस कंपनी से। ये इनकम है, कार प्लेन्स मिले हैं, फैमिली की हेल्थ मिली है, मेरे फादर मदर को हेल्थ मिली है, मेरी फैमिली को हेल्थ मिली है, मेरे रिलेटिव्स को इस बिजनेस से बहुत अच्छी हेल्थ मिली है। और आगे चलें दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रिप कौन लेना चाहता है? सब लेना चाहते हैं। अभी सर ने बताया हवाई, हांगकांग, नहीं सब लोग जाना चाहते हैं। अपने पैसे से कितने लोग जाना चाहते हैं? कंपनी से कितने लोग जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। नहीं, मैं रेगुलर इस कंपनी से, जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को क्वालिफाई किया है, मैं रेगुलर इस कंपनी से हर साल यूएसए जा रहा हूं। मैं पिछले 3 सालों से लगातार जा रहा हूं और इस साल भी मैं अमेरिका जा रहा हूं। और सबसे सबसे अच्छी अचीवमेंट जो मेरे दिल को खुश करती है कि दोस्तों, आज की डेट में मेरे ग्रुप में, मैं नहीं, लगभग मेरे साथ 150 से ज्यादा मैनेजर मेरे ग्रुप में बन चुके हैं। और खुशी होती है कि कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी में कुछ ना कुछ मेरा भी श्रेय है। मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई नहीं हो सकती। आपकी किसी व्यक्ति की कामयाबी में आपका भी श्रेय हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसा बिजनेस है कि आप अपने घर की रोशनी के साथ साथ दूसरे के घर में भी रोशनी कर सकते हैं। और कोई बिजनेस ऑफर नहीं करता इस तरह की चीज। एक्सीलेंट बिजनेस, एक्सीलेंट मार्केटिंग प्लान। मुझे पता चला मैं इंडिया का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर में आया, अभी 4th रैंक पर आया। यस, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैंने लाइफ में, स्टेज पे खड़ा हूं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने लाइफ में कभी भी सपना नहीं देखा 1, 2, 3, 4, 5 में आने का। मैंने हमेशा एक ही कोशिश करी है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए अपना बेस्ट करूं। अगर मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं कहीं भी स्टैंड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बेस्ट करना है इस कंपनी के लिए, इस बिजनेस के लिए। अगर आज आप लोग भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 आप कहीं पर भी स्टैंड करते हैं और अगर आप इस कंपनी में अपना बेस्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये कंपनी कहेगी आप नंबर 1 हैं, 100% नंबर 1 है। इस चीज की परवाह नहीं करिए आप कहां स्टैंड करते हैं। अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप आने वाले टाइम में 100% फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस मार्केटिंग हायरार्की में टॉप में आएंगे ही आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना एक्सीलेंट बिजनेस है दोस्तों ये। और साथ साथ अच्छी खुशी की बात क्या हुई? खुशी की बात ये नहीं है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, खुशी की बात ये है कि आज मेरी डाउनलाइन ने मेरे ही ग्रुप में 1% नॉन मैनेजर सीसीज में इंडिया में टॉप करा है इस साल। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मेरे लिए अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मेरी टीम कहाँ स्टैंड करती है, मेरा ग्रुप कहाँ स्टैंड करता है। ऑल मैनेजर्स, ऑल रिस्पेक्टेड पीपल्स, मेरा यही कहना है, अपने ग्रुप को अपनी फैमिलीज की तरह रखिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। सर ने, अमरजीत सर ने इतनी अच्छी फैंटास्टिक ट्रेनिंग बनाई है मैनेजर एंड बियॉन्ड की, उसके सिजल सेशंस हैं, उसको एक बार देखिए, इतनी गहराई है उसके अंदर। उस सेशंस को अपनी टीम में, ट्रेनिंग में कंटिन्यू करिए, अपनी टीम को सोने मत दीजिए एक भी दिन, उसको रेगुलर ट्रेनिंग देते जाइए अपनी टीम को। अपनी टीम के बर्थडे सेलिब्रेट्स कीजिए। हमारे ग्रुप में किसी के बच्चे का बर्थडे होता है, पड़ोसी निकल के बाहर आ जाते हैं, भाई साहब इतनी भीड़ क्यों लग गई है? पता चलता है 50 मैनेजर एक घर में ऊपर घुस गए। लोग कहते हैं सर पुलिस तो ना बोला, कहता नहीं सर ये मेरी कंपनी है, ये मेरी टीम है। कहते हैं कमाल की कंपनी है यार, रात को 12 बजे घर पहुंच जाती है, रात को 12 बजे लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा बिजनेस है, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको इस बिजनेस में। किसको चाहिए इस तरह का बिजनेस, किसको चाहिए इस तरह की सक्सेस, बताइए? सबको चाहिए, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कीजिए आप। चलते चलते देखिए, एक घोड़ी ने 2 बच्चे दिए। घोड़ा बच्चे देता है? घोड़ी। एक घोड़ी ने 2 बच्चे दिए। अब वो 2 बच्चों की विडंबना, ऊपर वाले की विडंबना। अब एक बच्चा तो लग गया टांगे में, अब वो टांगे में लग गया और वो जो है वो टांगे वाला तो हंटर खाता है दबा के, नहीं। और एक को ले गया रेस कोर्स में मालिक, अब वहाँ वो काजू बादाम खा रहा है, उसकी जो है वो बॉडी जो है शैम्पू से साफ हो रही है, होता है ना। और एक जो है टांगे में लदा हुआ है। अब आप सोच के देखिए, दोनों घोड़े हैं, एक सही ट्रुथ देखिए जीवन में, एक घोड़ा दौड़ रहा है जीने के लिए और दूसरा घोड़ा दौड़ रहा है जीतने के लिए, नहीं। अब हम लोग अगर अपने आप को उसी लाइफ में कंसिडर करें, सब लोग हम काम तो कर रहे हैं। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बाहर कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है कहीं आप जीने के लिए ना कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आ गए तो मैं गारंटी देता हूं यहां पर आप जीतने के लिए काम करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता।
इस बिजनेस में अगर आपके बच्चे हैं ना, बच्चे पापा तो सबको बोलते हैं, लेकिन एक बात पक्की बता दूं, अगर आपका बच्चा है ना वो आपको बोलेगा पापा दी ग्रेट, ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। इस बिजनेस में आपको बोलेगा आपका बच्चा पापा दी ग्रेट। इस बिजनेस में आपकी वाइफ आपको बोलेगी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मैं आप पे मान करती हूँ कि आपने इतनी तरक्की करी है। और आज ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की वजह से मैं अपनी फैमिली को वो सब चीजें वापस दे पाया जो बचपन में कभी चली गई थी, थैंक्स टू दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी। थैंक्स टू कुछ ऐसे व्यक्ति हैं मेरे जीवन में जिनका थैंक्स किए बिना मैं स्टेज से नहीं उतरूंगा। सर दो मिनट और लूंगा प्लीज। पहले व्यक्ति हमारे ऑनरेबल कंट्री मैनेजर मिस्टर अमरजीत उभी। सर सैल्यूट टू यू। आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग इनके साथ रहते हैं। जब भी ये दिल्ली आते हैं थोड़े ही समय में कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इनसे सीख सकें, इनसे समझ सकें। सो सर का हाथ पकड़ लीजिएगा, सर को छोड़िएगा मत, और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मिस्टर एंड मिसेज उबी, थैंक यू मैम। और एक महान हस्ती मेरे लिए मिसेज निकिता नटरवाला, थैंक यू। मेरे को इनका एक डिफरेंट रोल है, ये मुझे नॉक करती हैं कभी कभी, ऐसे पीठ पर शाबाशी कर देती हैं, कभी ऐसे कर देती हैं। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ कीप ऑन नॉकिंग मी, मुझे करेक्ट करते रहिएगा, मैं कभी ज़िंदगी में गलत हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। और थैंक यू वेरी मच शर्मिला जी, स्मिता जी, ये लोग शायद हम लोग इनसे 1,200 किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन इन्होंने कभी हमें एहसास नहीं दिलाया कि हम इतनी दूर रहते हैं। दो मिनट में हमारा काम होता है एक फ़ोन करने से, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ऑफिस के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का मैनेजमेंट हमारे बीच में है, हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। शर्मिला जी ट्रेनिंग को नॉक करती हैं, स्मिता जी और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हम फ़ोन करते हैं, जिनसे बात करते हैं, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं आई एम सॉरी प्लीज़। और दोस्तों कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, और आप आगे बढ़िए। अगर आज मेरी इसकी छोटी सी ट्रेनिंग से आपको कुछ मिल, कुछ अच्छा किया होगा। थैंक यू वेरी मच।